आप लोग देख सकते हैं लोधी गार्डन का सबसे बड़ा गुंबद है ये। तो सबसे पहले मैं यहाँ का कुछ इतिहास बता देता हूँ लोधी गार्डन का। पहले यहाँ पे 15वीं या 16वीं शताब्दी में यहाँ पे गांव था, जिसमें मोहम्मद सैयद और लोधी वंश के स्मारक को रखा गया था। लेकिन जब हमारा देश गुलाम हुआ, उस समय अंग्रेज़ों ने इसे नया गार्डन बना दिया, उसका नाम विलिंगडन गार्डन रख दिया गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फिर हमारा देश जब आज़ाद हुआ, उस समय विलिंगडन गार्डन का नाम हटाकर लोधी गार्डन रख दिया गया। वही है ये लोधी गार्डन, जो आप लोग देख सकते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप एकदम मस्त होंगे। तो आज हम आए हैं दिल्ली के लोधी गार्डन में, यहाँ लोधी वंश का मकबरा भी है। तो आज हम लोधी गार्डन आप लोगों को दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें। कि आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, यह है सिकंदर लोधी का मकबरा, देख सकते हैं आप लोग। उधर ऊपर जाने का रास्ता भी है, चलिए ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को। यहाँ पे सिकंदर लोधी का मकबरा के बारे में कुछ बताया गया, आप लोग इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं। ये मकबरा के ऊपर का व्यू आप लोग देख सकते हैं, और यही है मेन गेट सिकंदर लोधी के मकबरा में जाने का। तो चलिए चलते हैं, देख सकते हैं बहुत ही पुराना है ये। यह सिकंदर लोधी का मकबरा आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सामने दिखाई दे रहा है। और ये दीवार बनाया गया साइड साइड से, दीवार की डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, यही है सिकंदर लोधी का मकबरा। इनके पुत्र का नाम इब्राहिम लोधी था, जो लोधी वंश के सबसे लास्ट वे शासक थे। चलिए यहाँ पे गेट है, अंदर चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं मकबरा उनका। देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बर्ड्स इन लोधी गार्डन, इतने प्रकार के बर्ड्स इस गार्डन में। तो चलिए गार्डन में घूमने चलते हैं, आप सभी को दिखेगा ये बर्ड्स। चलिए, इस गार्डन में बहुत सारे बत्तख हैं, आप लोग देख सकते हैं कितने सारे बत्तख हैं। और चलिए आगे आप सभी को दिखाते हैं हम। आप लोग देख सकते हैं इस गार्डन में छोटा छोटा मस्जिद बनाया गया है, देखिए बहुत ही पुराना लग रहा है। एक मस्जिद यहाँ पे भी है, लेकिन गार्डन बहुत ही बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं गार्डन बहुत ही बड़ा है यहाँ का। चलिए आगे आप सभी को ले चलते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यह है शीश गुंबद। ये बड़े गुंबद के आकार का है, लेकिन इसकी कलाकारी कुछ अलग है, इसे कुछ अलग तरीके से बनाया गया है। तो चलिए और पास ले चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं शीश गुंबद। शीश गुंबद के अंदर का मकबरा है, आप लोग देख सकते हैं। और यह है शीश गुंबद, ये अंदर का एरिया है, आप लोग देख सकते हैं। और बाहर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है शीश गुंबद का बाहर का एरिया, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बैक करके दिखाते हैं। शीश गुंबद के सामने एक बड़ा गुंबद है, आप लोग देख सकते हैं, वो बहुत ही बड़ा गुंबद है, लगभग 27 मीटर ऊंचा है। तो चलिए बैक करके दिखाते हैं,
कि आप लोग देख सकते हैं बड़ा गुंबद, शीश गुंबद के एकदम सामने का गुंबद है। तो चलिए और पास से आप सभी को दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं लोधी गार्डन का सबसे बड़ा गुंबद है ये। इसकी ऊंचाई लगभग 27 मीटर है और वहाँ पे बोर्ड पे सब वहीं लिखा है ऊंचाई चौड़ाई के बारे में। चलिए आप सभी को दिखा देते हैं। ये दिया है बड़ा गुंबद मस्जिद, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं इसे। अभी हम लोधी गार्डन के सबसे बड़े गुंबद पे खड़े हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और इसी के सामने शीश गुंबद है। देख सकते हैं आप लोग शीश गुंबद इसी के सामने है, ये कितना प्यारा लग रहा है। इस गुंबद में उर्दू अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा डिजाइन किया गया है। पीछे आप लोग बड़ा गुंबद देख सकते हैं, तो चलिए उसी के अंदर चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। तो गुंबद के अंदर का व्यू आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही पुराना है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं, ये बड़े गुंबद का बैक साइड का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं, और लोधी गार्डन को देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पानी का फवारा कितना प्यारा लग रहा है। देखिए इसमें लाइट भी जल रहा है, देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा कितना अद्भुत बनाया गया है, बहुत ही मस्त लग रहा है। लोधी गार्डन वाकई में गार्डन बहुत प्यारा है। तो इस गार्डन का व्यू आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा गार्डन बनाया गया है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों को लगाया गया है, देख सकते हैं आप लोग एकदम हरा भरा, देखिए आप लोग बहुत ही प्यारा लग रहा है। और जूम करके आप सभी को दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नए वीडियो में नए लोकेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।